एंटीएयूजीसी ने यानी निमेजी ने डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हाँ, एक और आप लोगों से मेरे को शिकायत है, आप सभी दोस्त वीडियो को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब जरूर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत से दोस्त केवल वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जनेट प्रो पे। दोस्तों आज फिर से आप सभी के लिए एक धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट आईसीटी में 9 ऐसे कीवर्ड बताने वाले हैं। अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपका पहली बार में ही नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में 9 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे और उनको करने का तरीका बताएंगे हम आपको, जो हर बार एग्जाम में रिपीट हुए 2012 से लेकर 2023 तक। और इस वीडियो में ग्राफिक्स के जरिए हर एक चीज़ हम बिल्कुल आसानी से आपको समझाएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और इसी तरह की हमने दोस्तों कम्युनिकेशन की वीडियो भी बना रखी है, जिसके अंदर हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और कीवर्ड आपको बताए हैं, और इसी के साथ हमने रिसर्च के भी वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियोज भी आप ज़रूर देखना, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास के स्टडी नोट्स चाहिए तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, इसमें आप 750 रुपए वाला कोर्स केवल 500 रुपए में खरीद सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको कंप्लीट स्टडी करवाई जाएगी पेपर फर्स्ट की। इसमें आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के अंदर। नंबर 2 में दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर 3 पे 2012 से लेकर 2021 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। नंबर 4 पे दोस्तों 2012 से लेकर 2021 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे रिसर्च के आपके वो लगे, आईसीटी के लगे, कम्युनिकेशन के लगे, ऑल 10 यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। और प्लस में आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग अलग मिलेंगे, जैसे कि रिसर्च में टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ सैंपलिंग, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, इस तरह से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग मिलेंगे। और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको बताया जाएगा नोट्स और वीडियोस के जरिए। और आपका ऐप में लाइव मॉक टेस्ट होगा और लाइव क्लास होगी दोस्तों हमारी। इस लाइव क्लास में आपको क्लास होगी लाइव, लेकिन फीलिंग आपको ऑफलाइन वाली आने वाली है। तो दोस्तों इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करना, इस पेड कोर्स को। अभी हमारा हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, 750 रुपए वाला कोर्स केवल 500 रुपए में खरीद सकते हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8708321010 पे भी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और जो जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, और कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट। ये क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का और उसे प्रोसेस करने का एक जरिया है, एक डिवाइस है। इट इज ए वर्ड ड्राइव फ्रॉम ए वर्ड कंप्यूट विच मीन टू कैलकुलेट। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, और आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जी। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट से निकला हुआ है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना जी। और इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में, अदर एग्जाम में पूछी गई है, तो क्या पता यूजीसी नेट में भी इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, तो जल्दी से देख लेते हैं। सी का मतलब है कॉमनली, और ओ का मतलब है ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड टेक्निकली एजुकेशनल रिसर्च। ये है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, इसे आप देख लेना। और आगे देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड हमारा क्या है जी। फिर हमारा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है जनरेशन से रिलेटेड, जो हमारी जनरेशन है कंप्यूटर की, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखते हैं, और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और आप देखना आपके क्वेश्चन कितने आसानी से होते हैं जी। सबसे पहली जो जनरेशन है दोस्तों, ये हमारी 1940 से लेके 1955 के बीच में आई थी, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। और इसके अंदर दोस्तों जो था हमारा, इसका नाम क्या था, ENIAC, इस कंप्यूटर का नाम ये रखा गया था जी। और इट इज़ ए प्रोग्राम्ड इन मशीन लैंग्वेज, ये किसके अंदर था दोस्तों, मशीन लैंग्वेज के अंदर ये प्रोग्राम किया गया था। ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक मिनट में इसे रेड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अभी बता के चलता हूँ, इसका नाम क्या रखा गया था,
ENIAC ये रखा गया था, और इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज़ होता था, और इसमें मशीन लैंग्वेज में ये प्रोग्राम किया जाता था जी। और वैक्यूम ट्यूब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हैं, और ये वैक्यूम ट्यूब आपने जो हमारे पुराने टीवी होते थे उनके अंदर भी ये यूज़ होती थी जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन हमारी 1956 से लेकर 1964 के बीच में आई थी, और इसमें भी ये देखो वैक्यूम ट्यूब जो है रिप्लेस कर दी गई, ट्रांजिस्टर के जरिए रिप्लेस कर दी गई, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम यूज़ किया गया था जी। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम यूज़ की गई थी इसके अंदर, और जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर आप इसके अंदर ये देख सकते हैं। अगला हम बात करते हैं 200 जनरेशन है, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हमारी आई थी 1965 से लेके 1971 के बीच में, और इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग किया गया था। ये IC आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से ये IC है। और फोर्थ जनरेशन में अगर हम बात करें तो ये 1972 से लेके 1982 के बीच में आई थी, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते थे, और इसमें सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था दोस्तों, और इसके अंदर इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं जी। आगे हमारा है दोस्तों फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये आया था 1983 से लेके अभी तक जो चल रहा है, और इसमें VLSI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, और इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इससे आजकल हम जो लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही आते हैं। और इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन हमारे पूछे गए वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ भी हमने जनरेशन के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। ये देखिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी, मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी, और कंप्यूटर का नेम यहाँ पे देख सकते हैं आप। और सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, और मैग्नेटिक टेप का उपयोग इसमें किया गया था, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना दोस्तों वही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। इसके अंदर देखिए फार्टोन और कोबाल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था इसके अंदर। और उसके बाद में थर्ड जनरेशन में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था, और इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें फिर देखिए फोर्थ जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था, और फिर फिफ्थ जनरेशन में दोस्तों हमारा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था। ये हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आगे आए हैं जी। चलिए, और अगर इसमें और भी जो चीज़ है दोस्तों अगर ये देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप NimiZNet ज़रूर डाउनलोड करना, उसके अंदर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे जी। तो चलिए दोस्तों अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन हम करते हैं। तो आर यू रेडी, क्या सभी आप तैयार हैं ना इन क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और नीचे हमने डेट भी लिखी हुई है कौन सा क्वेश्चन किस डेट को आया, ये देखिए 2021 को ये आया हुआ है। The word computer comes from, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है, तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों क्या होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं ना, भूल गए इतना जल्दी, तो बताइए इसका क्या होगा। कंप्यूट होगा, कॉम्पोट होगा, या फिर कॉम्प्यूट होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, या फिर कैलकुलेटर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर जी बताइए दोस्तों। मैं इसका राइट आंसर आपको दिखा देता हूँ, इसका राइट आंसर है कंप्यूट है दोस्तों जी। वेरी गुड दोस्तों, शाबाश, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, कंप्यूट इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग, हमें मैचअप करना है इनका, और हमें बताना है जनरेशन का मैचअप करना है। तो सबसे पहला जनरेशन है दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या आया था, पहली जनरेशन में हमारा आया था वैक्यूम ट्यूब आया था। तो फर्स्ट को यहाँ से हम मिला देंगे, फर्स्ट को ए को 3 से, और सेकेंड जनरेशन के अंदर हमारा क्या आया था, ट्रांजिस्टर आया था, VLSI आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, क्या आया था, सेकंड जनरेशन में आया था हमारा ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में हमारा क्या आया था दोस्तों, अभी हम पढ़ के आए हैं सारी की सारी चीज़ें, थर्ड जनरेशन में आई थी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन में आया था हमारा VLSI माइक्रो प्रोसेसर जी। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर इसके अंदर ये देखिए ए का आ रहा है हमारा 3, ए का क्या होगा, 3 होगा, ये देखिए इसके अंदर है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या है,
जी राइट आंसर इसका ऑप्शन टू है भाई। वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों, शाबाश भाई शाबाश, बहुत अच्छे। देखिए दो के अंदर यही है हमारा, ए का 3 हो गया फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब हो गया, बी का हमारा हो गया 1 हो गया, बी का सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे हम, बिल्कुल सही है, और थर्ड जनरेशन में हमारा क्या था दोस्तों, फोर्थ इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ में क्या था हमारा VLSI। जी वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड भाई शाबाश, तो मज़ा आ रहा है ना दोस्तों। जी और चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बिल्ट ऑन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे बनाए गए हैं, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, सिस्टम नॉलेज, प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, या फिर VVLSI। अच्छा VLSI किस में उपयोग हुआ था, फोर्थ जनरेशन में, तो VVLSI फिफ्थ में होगा, नहीं 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 फिफ्थ में नहीं होगा दोस्तों, फिफ्थ में क्या हुआ था, ULSI का उपयोग हुआ था, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सोचिए सोचिए क्या होगा। जी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, चलिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है, आपने सही से देखा नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी फिफ्थ जनरेशन, और इसमें ये देखिए यहाँ पे है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पे दिया हुआ AI। जी इसके अंदर मशीन जो है वो अपने आप सोचने लगती है, वो सोच के उसको कंप्यूट करती हैं। जी तो फिफ्थ जनरेशन, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आप पढ़ना, नोट्स में से पढ़ना, हर एक 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 चीज़ अगर हम वीडियो में करवाएंगे तो ये वीडियो बहुत घंटों की बन जाएगी, तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, हमारी ऐप NimizNet है उसमें आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। जी चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा द इंटरवल ऑफ, अच्छा चलिए इसका मैं आंसर भी दिखा देता हूँ कहीं, ये देखिए इसका राइट आंसर ए है दोस्तों, ये रहा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बिल्ट ऑन सी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी, इसका राइट आंसर है। जी वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड शाबाश भाई। और आगे हम करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच इंट्रोड्यूस माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर किसमें उपयोग किया गया था, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, या फिर सेकेंड और फोर्थ। ये देखो ये सी तो हमारा आएगा नहीं है ना, थर्ड जनरेशन में क्या उपयोग हुआ था, जी IC उपयोग हुआ था ना, इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें, तो ये जो हमारा है माइक्रो प्रोसेसर किसमें उपयोग हुआ था, याद आ रहा है, याद तो आ रहा है बट थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हो है ना, जी पढ़ा हुआ तो है बट अभी याद नहीं आ रहा है ना ये ना। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये फोर्थ जनरेशन में उपयोग हुआ था हमारा, ये देखिए ये हमारा फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, याद आया ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों ये आप ग्राफ एक बार देख लेना अच्छे से, आपको सारा सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। जी आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द इंटरवल ऑफ जनरेशन वाज 1952 to 1964 से 1964 के बीच में हमारी कौन सी जनरेशन आई थी, पहली दूसरी पांचवी या चौथी, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन टू है दोस्तों, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इसमें हमारे आए थे। जी वेरी गुड दोस्तों, शाबाश भाई शाबाश। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए, सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वाह क्या बात है, कितना मस्त क्वेश्चन हमारा आ गया, पहली जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसे क्या नाम दिया गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था है ना, जी एनियॉक आएगा या फिर एडसेक आएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए दोस्तों, और इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, मैं देखूँगा आप लोगों को याद है या नहीं, और अगर आपको इसका आंसर देखना है तो बैक वीडियो बैक कर लेना, वहाँ से भी पता चल जाए इसका राइट आंसर। जी बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा। जी देख रहा हूँ यार मैं आप लोग कितना पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जी चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों, ENIAC इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये हम देख लेते हैं दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता है। जी इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जी ये इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों जो भी हमारे छोटे छोटे शब्द होते हैं उनकी फुल फॉर्म भी हमें पता होना जरूरी है।
और इसके बाद में हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, हमारे कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइस है, बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास के अंदर। इस वीडियो को आप पूरा देखना, ध्यान से देखना। विच लैंग्वेज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहली जनरेशन के कंप्यूटर में किस तरह की लैंग्वेज का उपयोग किया गया था? मशीन लैंग्वेज, असेंबल, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर बेसिक, किसका उपयोग किया गया था? बताओ बताओ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों आपको, और अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारे उनमें इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। जी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था? जी क्या कहा इसका राइट आंसर? ए कहा, यस बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर ए होगा। बहुत अच्छे भाई, शाबाश भाई, शाबाश जी। तो आ रहा है ना मज़ा दोस्तों क्वेश्चन करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वाज यूज बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहले जनरेशन कंप्यूटर में किस तरह के हार्डवेयर का उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, VLSI, इंटीग्रेटेड सर्किट, किस क्या उपयोग किया गया था? और आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हमारा 25 जून 2019 इवनिंग शिफ्ट में, ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। और इसमें बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, VLSI? जी वैक्यूम ट्यूब, यस बिल्कुल सही जी। तो पढ़ रहे हैं आप जी, इसमें वैक्यूम ट्यूब इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जी। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन टू है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों, अब हमारा आता है बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर जी। इसमें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है वो हम सभी देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसका थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो हमारे बेसिक पार्ट है कंप्यूटर के, वो क्या है हमारा, ये देखिए, ये आप कंप्यूटर में देख सकते हैं, ये मॉनिटर है और ये है हमारा CPU। ये देखिए, आपने ये चीज़ें देखी होंगी ना कंप्यूटर में, कंप्यूटर के साइड में, स्क्रीन के साइड में इस तरह से ये डब्बा होता है इतना बड़ा, इसे हम कहते हैं CPU कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये देखिए, ये साइड में स्पीकर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये स्पीकर है और ये प्रिंटर है। ये हमारी होगी बेसिक चीज़ें होगी कंप्यूटर के साथ में होती हैं, और हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं जी। आगे है दोस्तों हमारे पास, इसमें इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस वो होती है दोस्तों जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं। ये देखिए, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, कीबोर्ड में बटन दबाएंगे तो हमारी स्क्रीन पे वो नाम लिखा हुआ दिखाई देगा जी। कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, स्कैनर से हम इमेज को स्कैन करते हैं, ट्रैक बॉल हो गया, उसके बाद MICR, इससे क्या है कि जो हमारे कार्ड वगैरह है वो स्कैन किए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गए, ठीक है। उसके बाद में टच पैड हो गया, टच करके हम उससे इनपुट डालते हैं। फिर हमारी टच पैनल हो गया, टच स्क्रीन हो गई, टच पैनल हो गए। तो जो टच स्क्रीन है ना दोस्तों, वो हमारी क्या, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। आउटपुट कैसे है, टच स्क्रीन पे हमें, जैसे मोबाइल की स्क्रीन है उस पर हम वीडियो चलाते हुए देख सकते हैं ना जी। और जॉयस्टिक है, ये देखिए गेम खेलने के काम आती है, ये बार कोड रीडर है, और ये है माउस, और ये OCR जी। तो ये हमारे क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। और इसके अंदर एक है ये डिजिटाइजर है, इससे हम जैसे पेंटिंग वगैरह, डिजिटल पेंटिंग वगैरह बनाते हैं। और फिर रही हमारा माइक्रोफोन जी, माइक्रोफोन बोलते हैं, हेलो हेलो कैसे हो, हेलो ऐसे बोलते हैं ना जी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो होती है जिससे हम कंप्यूटर के ज़रिए कुछ आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन का। ये देखिए, ये हमारे पास मॉनिटर है, मॉनिटर से हम चीज़ों को देख सकते हैं। फिर है मल्टीमीडिया, प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, और फिर प्लॉटर हो गया। प्लॉटर ये देखिए प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में वहाँ पर यूज़ होता है, और फ्लैक्स बैनर वगैरह बनाते हैं इससे। फिर है ये हमारा माइक्रोफिल्म्स हो गया, और प्रिंटर हो गया ये। अब देखिए हमारे कई प्रिंटर जो है वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, स्कैन भी होता है और वो प्रिंट भी देता है जी। तो अच्छा, इसके बाद में एक और चीज़ होती है दोस्तों, हमारे पास कई चीज़ें ऐसी होती है जो कॉमन होती है, वो हमारी इनपुट भी है और आउटपुट भी है। जैसे कि ये देखिए, हमने प्रिंटर की बात की थी, प्रिंटर इनपुट भी है और आउटपुट भी है। यहाँ पे ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनमें स्कैनिंग भी होती है जी। उसके बाद हम ये देखिए, ये इसमें ये देखते हैं, हम माइक देखते हैं, और इसके अंदर क्या है, हमारे ईयरफोन भी है, ठीक है, और इस पर माइक पे है, माइक से हम बोल भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कीबोर्ड है, और ये हमारे टच स्क्रीन है जी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट भी और आउटपुट भी है जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, ये जो डिब्बा था, ये डिब्बे की मैंने आपको यहाँ पे बात बताई थी, ये देखिए CPU बोलते हैं इसको हम,
जी, इसको हम देखते हैं, आपने देखा होगा अपने घरों में या आस पड़ोस में, कहीं ना कहीं आपने ये ज़रूर देखा होगा। तो इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और मैं उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगा जो हमारे एग्ज़ाम में आई है। तो इसको आप देख लीजिए, ये बटन होता है, यहाँ से DVD राइटर निकलता है, ये USB लगती है, यहाँ पे ये स्टार्ट बटन होता है, ठीक है। और इसमें ये जानने की कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आज तक एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है। ये आपको बस इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर मदरबोर्ड की बात करते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड हमारा इसके अंदर लगता है दोस्तों, ये जो पूरा डिब्बा है ना, इस डिब्बे के अंदर हमारी ये प्लेट सी लगती है, प्लेट के जैसी। ये आपने देखी हुई है ना, ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट, IC वगैरह, काफ़ी तरह की चीज़ें, रैम रोम वगैरह, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई होती है। और इसके अंदर देखिए, एक हमारी होती है रैम, ये देखिए रैम यहाँ पे लगती है, और ये है हमारा GPU है, और उसके बाद में ये इसको, ये जो है ना ग्रीन, ये देखिए ये ग्रीन पार्ट को हम मदरबोर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे हमारी स्टोरेज होती है, हार्ड डिस्क लगाते हैं जी। और ये देखिए, ये है हमारा CPU है दोस्तों। और ये देखिए, वैसे तो ये पूरे को कैबिनेट बोलते हैं इसको, कैबिनेट, ये जो है ना, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए कहाँ पे गया, ये देखिए, इसको भी CPU बोला जाता है, इस बक्से को भी CPU बोला जाता है, और इसको कैबिनेट भी बोला जाता है। और एक अंदर जो चिप होते हैं ना, हमारी छोटी सी चिप लगती है इसके अंदर, ये देखिए ये लगती है, इसको भी हम मेन CPU बोलते हैं अंदर, ठीक है। और ये चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये हमारी रैम हो गई जी। चलिए दोस्तों, अब हम और चीज़ें समझते हैं, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या कंपोनेंट है, क्या मेन पार्ट्स है। देखिए, ये है हमारी इनपुट, हमने पढ़ लिया, आउटपुट हमने पढ़ लिया, और ये देखिए, इनपुट से डेटा आता है CPU के अंदर, CPU से फिर हमारे आउटपुट मिलती है। और जो हमारा CPU है, CPU के अंदर एक होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। फिर है CU की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करता है। और फिर है रजिस्टर, छोटी छोटी मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर में रजिस्टरिंग का काम करती है जी। और भी इसमें चीज़ें हो सकती हैं, रैम हो सकती है, रोम हो सकती है। और ये देखिए, ये जो हमारा CPU है ना, ये देखिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, इसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं जी। और ये देखिए, ये रहा हमारा CPU, ये देखिए, इस तरह की चिप आपने कंप्यूटर में देखी होगी। चलिए आगे, हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो हम क्वेश्चन करते हैं। तो आर यू रेडी जी? ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन आया है, दिसंबर 2012 को क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैंने आपको अभी ही बताया है जी। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यस 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 जी, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर इसका डी है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। वेरी गुड दोस्तों। और अगला हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो हमारे पास वो दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अभी हम करके आए, देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, तो दोस्तों मैं आपको रिपीट होने वाले क्वेश्चन भी बताता हूँ किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और UPS स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म पावर सोर्स जी। तो ये देखिए, स्टेटमेंट वन जो है, ये देखिए आंसर थ्री इसका, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, लेकिन हमारी गलत है जी। तो दोस्तों इस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ये देखिए, मैं आंसर तो आपको दिखाई दिया यार, चलो आगे नहीं दिखाऊंगा, आगे के क्वेश्चन में नहीं दिखाऊंगा। तो देखिए, हमारा जो मॉनिटर है वो क्या है? इनपुट नहीं है, मॉनिटर क्या है? क्या है हमारा मॉनिटर? आउटपुट डिवाइस है जी, हम करके हैं ना अभी हम पीछे जी। वेरी गुड शाबाश। और अभी मैं आंसर को हाइड कर लेता हूँ दोस्तों जी। चलिए, इसमें हमें बताना है विच लिस्ट कंटेन इनपुट डिवाइस ओनली, कौन सी हमारी केवल इनपुट डिवाइस है वो हमें बताना है, ओनली इनपुट जी। तो इसके अंदर हमारा क्या है, जैसे स्पीकर है, स्पीकर हमारा क्या है? स्पीकर तो आउटपुट है ना, आउटपुट है स्पीकर, तो ये तो नहीं होगा हमारा, केवल इनपुट हमें बताना है। ये देखिए, ये हमारा कीबोर्ड है, इनपुट है, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, देखिए
माइक्रोफोन से, माइक्रोफोन से बोलते हैं ना, हेलो 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 बोलते हैं, ठीक है जी। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल माउस वो दिखाया था ना मैंने आपको, ट्रैक बॉल जी, ये भी हमारा इनपुट है। स्कैनर भी हमारा इनपुट है, और टच स्क्रीन क्या है हमारी, इनपुट भी है और आउटपुट भी है जी। तो इसका राइट आंसर देखें, इसका राइट आंसर क्या होगा जी, वेरी गुड भाई भाई, शाबाश शाबाश, राइट आंसर इसका ऑप्शन थ्री है, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। तो दोस्तों आ रहा है ना मज़ा जी। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं भाई, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ओनली कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। अब ये देखिए दोबारा से आ गया ये हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हमारा 18 दिसंबर 2018 को और ये 5 दिसंबर 2018 को आया है। तो इसका आंसर बताइए जो केवल इनपुट डिवाइस है, तो इसमें जॉयस्टिक है हमारा, कीबोर्ड है, माउस है, डिजिटाइजर है। डिजिटाइजर मैंने बताया था ना, जिससे हम ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं, कार्टून वगैरह, चित्र वगैरह बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन फोर होना चाहिए ना, देखें जी, वाओ क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों, शाबाश जी। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको अपने आंसर चेक करने हैं तो आप वीडियो रोक लिया करें, ठीक है, और रोक के आप इसका अपने मन में आंसर देने की कोशिश किया करें जी। और दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं भाई। उस पेड कोर्स के अंदर हम आपको ये सारे स्टडी नोट्स दे रहे हैं, एड फ्री वीडियोस दे रहे हैं, 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश में, और यूनिट वाइज और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं, और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, लाइव मॉक टेस्ट होता है हमारी ऐप के अंदर, बहुत कुछ आपको हमारे पेड कोर्स में मिल रहा है। और पेड कोर्स की फीस ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 500 से के 1000 रुपए के बीच में हमारी फीस होती है, और ऑफर के अनुसार फीस चेंज होती रहती है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, अभी हमारा ऑफर चल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, 750 रुपए का कोर्स केवल 500 रुपए में मिल रहा है, 2 दिन बाकी है, तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए जी। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा कंपाइलर आर सॉफ्टवेयर, टच स्क्रीन मॉनिटर आर इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ये बताइए टच स्क्रीन क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों ही है ना, बताया था ना, यस जी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा जी, राइट आंसर ऑप्शन ए है, बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों के दोनों सही है जी। और हमारी इस वीडियो में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे मेन फोकस कर रहे हैं जी। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है, हमारे इनपुट है, आउटपुट है, क्या है, हम करके आए हैं जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो ये क्या है हमारी दोस्तों, क्या है बताऊँ आंसर जी, राइट आंसर इसका इनपुट है, यस 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 यस, इनपुट डिवाइस है दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है, मैच द कॉलम करना है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कौन सी है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो माउस है, माउस क्या है हमारा इनपुट डिवाइस है ना, और आउटपुट डिवाइस क्या है मोनिटर, ए का क्या होगा हमारा थ्री होगा, ए का थ्री ये रहा, और बी का हमारा फोर होगा, तो ऑप्शन नंबर टू जी, वेरी गुड वेरी गुड। दो ही है क्या इसका आंसर, बताओ दो है इसका आंसर, देखिए देखते हैं भाई जी, वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों जी। दोस्तों मज़ा आ रहा है आपको क्लास के अंदर जी, अगर आपको मज़ा आ रहा है ना तो आप बताइए आगे हम कौन सी यूनिट की वीडियो बनाए, और अगर आपको रियल में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा वो आप हमें बताना ज़रूर, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ही हम आगे वीडियोज़ बनाएंगे दोस्तों। अगर आपको ये यूज़फुल नहीं लग रही है तो हम आगे वीडियो बनानी बंद कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम सभी यूनिट की, ऑल 10 यूनिट की ऐसे ही वीडियोज़ बनाए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए अगली वीडियो को कौन सी यूनिट से चाहिए जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, कौन सी यूनिट पे हमें अगली वीडियो बनानी है जी। और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्लॉटर, प्लॉटर की हमने बात की थी ना, प्लॉटर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, प्लॉटर क्या है, वो किसके काम आता है। देखिए एन प्लॉटर डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, ये मैंने बात की थी ना आपको, इसमें ड्राइंग हम बनाते हैं, ग्राफिक्स हम बनाते हैं, प्रिंट करते हैं हम इससे, है ना, प्रिंटिंग प्रेस पे जी। प्लॉटर मैंने आपको दिखाया था, एक बार दिखा दूँ क्या मैं आप लोगों को, देखिए प्लॉटर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाइए चीज़ें। हमारा कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, ये देखिए ये रहा हमारा प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस मैंने आपको दिखाया था जी, वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों। तो दोस्तों ये आप नोट्स में जब पूरे ग्राफिक्स को देखेंगे अच्छे से तो आपको अच्छे से चीज़ें आ जाएंगी जी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मैच द कॉलम हमें करना है, तो इसमें आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है सबसे पहले ही, तो आउटपुट डिवाइस हमारी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा आउटपुट है या क्या चीज़ है जी, प्रिंटर, ये देखिए वाओ क्या बात है, नंबर दो पे ही आ गया हमारा प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस क्या है हमारी, प्रिंटर है।
ए का टू किसमें, ये देखिए ए का टू ऑप्शन इसमें थ्री में है, और किसी में दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा जी। वाह क्या बात है, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड भाई, शाबाश। तो आया ना मज़ा दोस्तों जी, मेरे को तो आपको क्लास करा के बहुत मज़ा आया भाई। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और एक शिकायत मुझे है आप लोगों से, आप लोग यार वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी अभी, ऐसी वीडियो और कौन से टॉपिक पे बनानी है वो भी आप हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए 2012 से 23 तक, सभी चैप्टर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए हिंदी इंग्लिश में, तो आप हमारा पेड कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना जी। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर, इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है, इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000-8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों, आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।